वापस आए तो रंगीन अंदाज से वापस आए। सुन लिया? हाँ, क्या पता है? एक थोड़ी देर पहले भी खिला के ही थी मैं। खिलाया था मैंने तुझे, पागल कहीं का। चीतू, तेरे नखरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा किया, दोबारा किया, तो बहुत मार पड़ेगी तुझे। ऐसे मैं नहीं मारती हूँ, ऐसे ही कह देती हूँ, लेकिन उसको डराने के लिए कहती हूँ। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? मेरे लिए कुछ पीने के लिए है इसमें? क्या खाली? ये खाली क्यों है? ये क्या है? ये मैं सोचा इसमें कोई पानी या नहीं। नहीं, मेंढक की थूक मैं अभी दिलाती हूँ। मंडका थूकना अचू। इसमें मैंने पहले पी लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या पी रही हूँ। पता क्या पिया मैंने? बोल, मैंने क्या पिया है? मेंढक की थूक पिया मैंने। हिम्मत हो तो तुम लोग भी पी के देखो, बहुत ताकत आता है। बहुत ताकत आती है मेंढक की थूक से। कोई रंग जंग तो है नहीं इसमें, लेकिन जब कोई पिए फिर पता चलेगा इसमें क्या ताकत, क्या कोई लफ्ज है नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है। मुझे बोल है, ओ, ये देख रहे हो?
मैंने कहीं देखा हुआ है, कहाँ देखा मैंने? ये क्या लिखा है? मुझे लिखना नहीं आता ना पढ़ना आता है, लेकिन ये मैंने जरूर देखा है। ये वो जगह है, ये वो जगह है जिस जो मेरी इस कला को यहाँ पेश किया जाने देते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को माफ कर देती हूँ। मुझे ये खाली देख के इसमें कुछ था नहीं ना, प्यास लग रही थी, तब मैं माफ कर देती तुम लोगों को। मेरे ढोल सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल सुन। ARY डिजिटल पर सीजन 1 और सीजन 2 में लोगों को हंसाते हुए जिताते हुए जीतो और जीतो रहा नॉर्थ अमेरिका का कामयाब तरीन गेम शो। सीजन 1 और सीजन 2 की शानदार कामयाबी के बाद जीतो और जीतो सीजन 3 इज कमिंग, द बिगेस्ट गेम शो फॉर ऑल बेसिस प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो चार, जिसमें होगा मोर फन, मोर मस्ती, खेलो और जीतो। सो गेट रेडी फॉर द सीजन 3 ऑफ जीतो और जीतो। आ गए तुम लोग, चल्ला रानी को आ गई मिलने के लिए। अभी मैं अपने इस बिछड़ा हुआ साथी से मिलने आई हूँ। इन लोगों ने मेरे चीजों को कैद करके रखा हुआ था, वो कह रहे थे तुम्हें जरूर आना होगा। अभी पिछले महीने मैं नहीं आ पाई, वो एक महीना चल रहा था स्पेशल, वो क्या रमजान चल रहा था ना, तो मैं नहीं आ सकी। मैं अपने चीजें लेकर आने मैं आ गई थी यहाँ, और उन्होंने वो कह रहे थे छल्ला रानी तुम वापस आओगी इसके बाद, हम तुम्हारी चीजें यहीं रखेंगे। मैं कहा ये मेरी चीजें हैं, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा हक है, तुम कैसे ले सकते हो? लेकिन फिर मैंने उनको माफ किया, क्योंकि मैंने कहा था ना इन लोगों ने मेरा ये कला दिखाने का इजाजत दे दिया। वैसे मैं किसी से इजाजत मांगने की मैं नहीं समझती, कोई जरूरत नहीं है इजाजत की, लेकिन मैंने एक दफा इन लोगों को माफ किया, क्योंकि फिर मैं जो मर्जी कर सकती हूँ, मैं जो मर्जी कह सकती हूँ। हाँ है ना चीतू, तुमने मेरे बात का साथ दिया, अब तुझे बहुत सारे मोटे मोटे खौफनाक किस्म के कीड़े मकोड़े और बहुत कुछ खौफनाक चीजें खाने को मिलेंगे। हा 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 हा, जानते हो एक बात बताती हूँ, इधर आओ, डरो मत,
जीतू को कहा था मैंने वो किसी को ना खाए, किसी को ना डराए, और मैं भी कुछ नहीं करूंगी। इधर आओ, इधर आओ लोगो, इधर आओ, सुनो मेरी बात। आजा, बाटली है ना, बाटली, बाटली उसका जो वो जहाँ काम करती है ना, वो जो गंद मचा हुआ था ना वहां पे, सब देखा मैंने, सब देखा। और देखा तो क्या हुआ, कैसे मैं बताऊं, मेरी वजह से वो गंद फैल गया था, और उल्टा जो वहां पे काम करते उन पे इल्जाम लग गया, क्योंकि मैं उसे बदला लेना चाह रही थी, वो मेरी बेइज्जती करती है, मेरा मजाक उड़ाती है। मैंने कहा मैं अब उसका मजाक उड़ाती हूँ जो मेरे साथ पंगा करने की कोशिश करे, तो उसका वही नतीजा होगा जिस चीज से वो प्यार करे, जिस चीज को वो अपने दिल से लगाता है। मैं उसको बिगाड़ भी सकती हूँ या जोड़ भी सकती हूँ। तो वैसे हो टाइम, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। जब सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। Party with the good night, relax man, come party with the good night, relax man, come party with the good night, relax man, now party with the good night, relax man. जब सारी दुनिया सो जाती है, after party हो जाती है, after party के भी after जो चले ये वो बाजी है। सारी दुनिया सो जाती है, after party हो जाती है, after party के भी after जो चले ये वो बाजी है। पित्तू पित्तू चील पतंदर, after party घर के अंदर घर है, देखो भूत वाला टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है। मुझको बस जागना है, कटो घर को डरपो को जिसको भागना है। इतने सालों से हम सब रात को ही तो सोते हैं, अब आज जाग लेते हैं, अब भूत थोड़ी होते हैं। पब्लिक बुलाओ, जिसको नाचना है ना चाहो, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये 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 करके दिखाओ। स्टूडियो जॉर्ज प्राउडली प्रेजेंट्स एक ऐसा रियलिटी शो जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, कनाडा में पहली बार सिर्फ और सिर्फ B4UK प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, चाहे आप सिंगर हो या डांसर। और हम लेकर आएंगे कनाडा के कोने कोने से चुनकर बेहतरीन डांसर्स, जो कि परफॉर्म करेंगे हमारे अमेजिंग जजेस के सामने। यहाँ जजेस होंगे लाइक कुमार सानू और माधुरी दीक्षित, और हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा मौका जिसके लिए आपने हमेशा से ख्वाब देखा, जिसमें होंगे सिंगर्स, डांसर्स। आर यू द नेक्स्ट कैनेडियन देसी स्टार? क्या आप बनेंगे कैनेडियन देसी स्टार? कैनेडियन देसी स्टार, सितारे की खोज जल्द आ रहा है, ओनली ऑन B4U। हाई एंड का फर्नीचर लो प्राइसेस में बेचते हैं, क्योंकि कंटेनर्स के कंटेनर बाय किए जाते हैं, ताकि जब व्यूअर्स प्रोग्राम देखकर रिट्स फीचर पे आए तो प्राइस ऐसी हो, क्वालिटी ऐसी हो, सर्विस ऐसी हो कि वो एक बार नहीं हमेशा ही यहाँ आते रहें। कराची हाईवे और चांदनी चौक लाहौर की मशहूर कढ़ाई खाने के लिए जाइए आपके अपने कढ़ाई पॉइंट यानी KP की, जिसकी है दो खूबसूरत लोकेशन जिसका एटमॉस्फेयर भी देखने वाला है। तो डू विजिट कढ़ाई पॉइंट। Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Ah!
बंगला जंगल के पीछे भूत बंगला टूटी खिड़की मकड़ी का जंगला जंगल के पीछे भूत बंगला बंगले में कोई आया है आके हमें जगाया है बंगले में कोई आया है आके हमें जगाया है गाय का बच के ना टूटी खिड़की घर पे टूटी खिड़की भी है मकड़ी का जंगला वहां से मैं चुन चुन के अपने चीतों को खिलाती हूँ। हाँ बड़े शौक से खाता है ये चीतू जो है ना जरा अलग किस्म की खुराक है इसका कीड़े मकोड़े भी खा लेता है कुछ भी खा सकता है तो मेरे चीतू को तंग मत करना वरना नतीजा बहुत बुरा होगा समझ गए तुम। मैं क्या कह रही थी ए, बाटली के मेज पे जो गंद मचाया हुआ था अब मेरी वजह से हुआ है मेरी वजह से। हाँ उल्टा उसके काम वालों पे इल्जाम लग गया वो तो निकाल बाहर करने वाली थी लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में थोड़ा सा इतना सा कीड़े मकोड़ों जैसा रहम आया उसके लिए। कहा तेरा ये काम बिगड़ ना जाए तो एक मौका और देती हूँ अगर तूने मुझे तंग किया तो मैं एक ऐसा चाल चलूंगी कि तू याद रखे। तो मैंने कहा ये मेरी वजह से हुआ है अब कभी मेरे से पंगा मत लेना समझ गए तुम। हाँ हाँ वो मुझे पागल कहती है तो हूँ मैं पागल। हाँ हूँ मैं पागल लेकिन मुझे पागल बनाया किसने किसने बनाया ये मेरी आंखें देख रहे हो हमेशा ऐसे नहीं हुआ करती थी लोगों की ताने लोगों की मजाक मेरे ऊपर वो मेरे पे हंसा करते थे वो मुझे जीने ही नहीं देते थे तो इतना गुस्सा आया कि मेरी आंखें काली हो गई। अब ये आंखें काली होने की वजह से अब मैंने ये नया रूप लिया हुआ है। अगर मेरे से कोई पंगा लेने की कोशिश करे तो याद रहे ये देख रहे हो याद है ये क्या है ये मेरी जादू की छड़ी इस चमकीले नीलेपन से धोखा मत खाना। ये बहुत जहरीली चीज है हाँ इसमें थोड़ा सा सांप का जहर भी मिला हुआ है ताकि जो भी जादू करूं अगर मैं बुरा जादू करूं तो उस सांप का जहर का भी असर पड़ेगा और तुम बहुत तड़पोगे कि तुम याद रखो। हाँ हाँ जी तो पता है ना हाँ याद रहे जीतू। और मैंने कहा था ये मेरा नया रूप कैसा है कहा था हाँ कहा था अब दोबारा पूछ लिया तो क्या हो गया। मैंने सोचा मैं जब वापस आऊं तो एक अलग अंदाजे से आऊं क्योंकि छल्ला रानी को आम चीजों से कोई मतलब नहीं है सिर्फ नायाब चीजों से। और ये देख रहे हो ये एक और नई नायाब चीज मुझे मिली है मुझे किसी ने ये इनाम में दिया था। हाँ वहां जहां से आई हूं जादू का वो मुकाबला हो रहा था किसकी जादू सबसे ताकतवर होता है वही ये माला जीतेगा। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने जब अपना जादू दिखाया लोगों का मुंह खुला रह गया। हाँ, 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 और वो
ये मुझे इनाम में मिला। हा हा, तो लोगों का बस में ही नहीं था कि वो मुझे ना करे। हा हा, हिम्मत हो तो मुझे ना कह के दिखा दो लोगों, वरना मैं काना ये बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है या किसी की भला भी कर सकता है। हा हा, हेलो चलारानी जी। ये आवाज कुछ सुना हुआ लग रहा है। आप मेरी मदद कर सकती हैं? जब तुम पूछ ही रहे हो तो पूछो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ लोग मेरे बिजनेस से जेलस होकर मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, उनका क्या करूं? ये क्या कह दिया, ये जेलस क्या होता है? मेरा काम काफी आगे जा रहा है, काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और वो उल्टी सीधी चीजें कह रहे हैं, उनका क्या किया जाए? उनकी ये हिम्मत तेरे काम में रुकावट डाले? अभी बताती हूँ, मैं उनको ठीक करूंगी। अगर उन्होंने फिर तंग किया तुम्हें तो याद रहे, इसका भला भी है इसका नुकसान भी हो सकता है। तुम एक और मौका दो उन लोगों को, अगर वो तुम्हें फिर तंग करे तो मुझे जरूर बुलाना और मैं अपना ये जीतू भी साथ लेकर आऊंगी। ये मेरा वफादार साथी है, ये भी मेरी मदद करेगा। फिर उनको ना कर उनको रुकावट बनने की हिम्मत नहीं होगी। समझ गए बच्चे? चले चला रानी, फिर मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा अगर वो इंसान नहीं बने तो। मेहरबानी बच्चा, जरूर फोन करना मुझे। हा हिम्मत। रे मॉनसून का मौसम आया, तन मन में रोमांच हचाया, अब तो हंस के बोल छोड़ी, तेरे लिए एक चीज हूँ लाया, देख के जिसको झूम पड़ेगी, सर पे तेरे खूब चढ़ेगी, हाथ जोड़ के बस तू बेबी मुझसे बस यही कहेगी। जॉर्ज प्राउडली प्रेजेंट्स एक ऐसा रियलिटी शो जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, कनाडा में पहली बार सिर्फ और सिर्फ B4UK प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, चाहे आप सिंगर हो या डांसर। और हम लेकर आएंगे कनाडा के कोने कोने से चुनकर बेहतरीन डांसर्स, जो कि परफॉर्म करेंगे हमारे अमेजिंग जजेस के सामने। यहां जजेस होंगे लाइक कुमार सानू और माधुरी दीक्षित, और हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा मौका जिसके लिए आपने हमेशा से ख्वाब देखा, जिसमें होंगे सिंगर्स, डांसर्स। आर यू द नेक्स्ट कैनेडियन देसी स्टार? क्या आप बनेंगे कैनेडियन देसी स्टार? कैनेडियन देसी स्टार, सितारे की खोज जल्द आ रहा है, ओनली ऑन B4U।
क्या कर सकता है, मेरा एक अलग कैद खाना है, यह सिर्फ वहाँ पे भूत रहते हैं, इतनी ताकत है उस कैद खाने में और निकलने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो लोगों अगर कोई बुरा साया, कोई भूत, कोई कुछ तुम्हें तंग करने लगे तो मुझे बताना, मैं उनको बाहर निकाल लेती हूँ और अपनी दुनिया में ले जाकर उनको ऐसे कैद खाने में रखूंगी कि वो कभी भी किसी को तंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरा गला खराब नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं, ए, मेरा गला ठीक कर दो। वही चल रानी, क्या मां चल रानी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, ये कौन है नया बच्चा, ये तो नई आवाज सुनी है इस, ये कौन है बताओ, कौन हो तुम? चल रानी, मैं आपको बहुत दिनों से देखता हूँ, आप इतने दिनों से गायब क्यों था? बच्चे, मैं क्यों गायब थी, क्या तुम मेरा इस दिन का प्रोग्राम नहीं देखते हो? मैंने बताया था एक स्पेशल महीना चल रहा था और वो था रमजान का महीना, तो मैं गायब हो गई थी थोड़ी देर के लिए। मेरा चला रानी, वो मेरे को पता है, पर मैं बोला यार तुम आते नहीं है, इतना मजा नहीं आ रहा है अभी प्रोग्राम में, तो आज आ गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत मेहरबानी बच्चा, मेरा प्रोग्राम शौक से देखते हो? वल्लाह वल्लाह बहुत शौक से देखते हैं। क्या हमारा पेशावर में वो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, उसके ऊपर बैठ के हम देखते हैं, इतना मजा आता है। क्या मेरा दोस्त सारा मेरे साथ में देखते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। हमारा वो बचपन में एक प्रोग्राम था, उसको याद दिलाता है। बहुत बहुत मेहरबानी आपका। अच्छा आप बताओ कैसा बुलावा आ गया? ये चल्ला रानी, मैं बोलती है वो, मैंने जो लास्ट टाइम आप एक महीना पहले जो प्रोग्राम किया था रमज़ान से पहले, उसमें मैंने बोला था कि चल्ला रानी मेरा एक महबूबा है, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मेरे लिए प्लीज़ कुछ करो। आपको पता है हम लोग के पठान लोग में ये थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे मैं भी बिल्कुल नया दौर का है, तो ये लोग जो बिल्कुल पुराना दौर का है, तुम कुछ करो प्लीज मेरे लिए। ये लड़की तुझे पसंद नहीं करती? या मेरा उससे बात नहीं होता है, उसका बाप, उसका भाई, उसका खानदान वाला बहुत सख्त है, जो उसको घर से बाहर आने नहीं देता है। क्यों नहीं आने देता है? पता नहीं है, वो अलग बोलता है ये बिल्कुल सही नहीं है और उसको घर से नहीं निकलने देता है। चाहे इस तरह रहेगा मैं मर जाऊंगा यार। मेरे पास आएगा ना, देखना मैं उस लड़की को कैसे बाहर निकालती हूँ उनके जाने बगैर। या अल्लाह, ये बड़ा, ये बहुत मेहरबानी होगी। मुलाकात देती हूँ और जो तुम्हें कहना है तुम्हें 15 मिनट में कहना होगा। ओके, मैं बोलेगी पर 15 मिनट थोड़ा है, मेरे को थोड़ा और दो, मेरा तो पहले पैर कांपते हैं उसके देख के, उसको याद करते हो तो मेरे को डर लगता है। तेरे अंदर एक ऐसा जादू डाल दूंगी तेरी हिम्मत भी बढ़ेगी, वही अल्लाह वल्लाह, तू उसे बात करने में कोई झिझक नहीं होगी, देख लेना। ये है ना मेरा, याद है, ये भला करता है नुकसान भी पहुंचाता है, तुम्हारे लिए मैं भला सोचूंगी। उसने मेरे को बोला, जरूर मिलेगा। उसने पहले मेरे को बोला यार ये गुलखाना तुम ये डोडा खाना छोड़ दो, चाहे मैंने अफीम खाना छोड़ दिया, फिर उसने बोला चाहे निस्वार भी नहीं खुआ, अभी मैं निस्वार भी नहीं खाता हूँ, फिर भी देखो वो मेरे को मिलने नहीं देते वो लोग, तो प्लीज़ ये मेरा काम करो। और बताओ कि मैंने अभी फेसबुक पे सुना चल्ला रानी अभी किधर जुमे वाले दिन में किधर जाएगी, कहाँ जा रहे चल्ला रानी? मैं कहाँ जा रही हूँ? चल्ला रानी अपनी मर्जी से जाती है, जहाँ भी जाती है, किसी से पूछ कर नहीं जाती।
जी मेरे को बताओ ना, अगर वो मेरे से मुलाकात करेंगे तो बिल्कुल ना नहीं कह पाएंगे, तुम देख लेना। उसका बाप माँ पूरा खानदान मेरे से ना करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तुम देखना बच्चे। बड़ी मेहरबानी बहुत मेहरबानी, तो मुझे अपने साथ ले चलो, दिखा दो कहाँ रहती है, और फिर तुम्हारे हमारे निकलने से पहले वो जादू डाल दूंगी तेरे अंदर। तू फिर उस लड़की से तो क्या, उसके खानदान से बातें कर सकते हो हिम्मत कार से, क्योंकि छल्ला रानी को सिर्फ तीन चीजों से मतलब है। तुम्हें पता है या मैं बता दूं? बताओ बताओ। छल्ला रानी को सिर्फ तीन चीजों से प्यार है, और वो है हिम्मत, संगीत, हार, तंगल, समझ गए बच्चे? चल रानी, इसमें से दो तो मेरे को बहुत अच्छे आते हैं, एक हिम्मत मेरे अंदर बहुत है। जे मैं अब देखो इस वक्त में तुम्हारे से बात करते हैं, ये सबसे ऊंचे वाला जो पहाड़ है इसके ऊपर बैठे है, उधर से मैं बात करती है। और संगीत जो मेरे मेरे को संगीत से बहुत प्यार है, मैं तुमको गाना सुनाती है अभी। पीछे वर्ष वोला एक बार फिर गाती है, पिखेवर से मेरी खातिर डंडे से लाना, ओ मेरा गुल जाना, पिखेवर से मेरी खातिर डंडे से लाना, ओ मेरा गुल जाना। मेरा गुल जाना को मेरे से मिला गए अपना, ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। छल्ला रानी को खुश किया, तब छल्ला रानी तेरे साथ जरूर जाएगी। वल्ला मेहरबानी, क्या होता है, वल्ला मेहरबानी। इस बार भी छल्ला रानी इसी पहाड़ी के ऊपर बैठ के मैंने चांद देखा था, जो दुनिया ने ईद बनाया ना, ये चांद मैंने देखा था सबसे पहले। तुमने सबसे पहले चांद देखा? याल्ला याल्ला, बिल्कुल सबसे पहले देखा, क्योंकि चांद मेरे मुट्ठी में होता है, मैं जब चाहे उसे जहां भी ले जाऊं। वो तो तभी तो बोला है ना छल्ला रानी, मैं ये ऊंचे वाला पहाड़ी पे बैठा था तो मैंने चांद देखा, लेकिन तुम्हारा कनाडा में उधर पता नहीं कुछ लोगों ने देखा ही नहीं बिल्कुल, उन्होंने उस दिन पे ईद नहीं किया, दूसरा दिन में किया। ये चांद मेरे से बोला, यार ये चांद मैं अभी बड़ा हो गया, ये लोग मेरे को देखते नहीं है। जो भी हो बच्चे, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, अपने चीतू को भी साथ लेकर आऊंगी, देखना वो जरूर हाँ करेगी। जॉर्ज प्राउडली प्रेजेंट्स एक ऐसा रियलिटी शो जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, कनाडा में पहली बार सिर्फ और सिर्फ B4UK प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, चाहे आप सिंगर हो या डांसर। और हम लेकर आएंगे कनाडा के कोने कोने से चुनकर बेहतरीन डांसर्स, जो कि परफॉर्म करेंगे हमारे अमेजिंग जजेस के सामने। यहां जजेस होंगे लाइक कुमार सानू और माधुरी दीक्षित, और हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा मौका जिसके लिए आपने हमेशा से ख्वाब देखा, जिसमें होंगे सिंगर्स, डांसर्स। आर यू द नेक्स्ट कैनेडियन देसी स्टार? क्या आप बनेंगे कैनेडियन देसी स्टार? कैनेडियन देसी स्टार, सितारे की खोज जल्द आ रहा है, ओनली ऑन B4U।
हाई एंड का फर्नीचर लो लो प्राइसेस में बेचते हैं, क्योंकि कंटेनर्स के कंटेनर बाय किए जाते हैं ताकि जब व्यूअर्स प्रोग्राम देखकर रिट्स फर्नीचर पे आए तो प्राइस ऐसी हो, क्वालिटी ऐसी हो, सर्विस ऐसी हो कि वो एक बार नहीं हमेशा ही यहाँ आते रहें। कराची हाईवे और चांदनी चौक लाहौर की मशहूर कढ़ाई खाने के लिए जाइए आपके अपने कढ़ाई पॉइंट यानी केपी की, जिसकी है दो खूबसूरत लोकेशन जिसका एटमॉस्फेयर भी देखने वाला है। तो डू विजिट कढ़ाई पॉइंट। ऑडिटेड नीड हेल्प? दैट्स व्हाई वी चोज स्कैन्स अकाउंट्स। दे मेक यू फील एट ईज नोइंग यू एंड योर बिजनेस आर इन गुड हैंड्स। स्कैन्स अकाउंट्स, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। स्टूडियो चार प्राउडली प्रेजेंट्स एक ऐसा रियलिटी शो जिसका हर कोई ख्वाब देखता है। कनाडा में पहली बार सिर्फ और सिर्फ B4UK प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, चाहे आप सिंगर हो या डांसर। और हम लेकर आएंगे कनाडा के कोने कोने से चुनकर बेहतरीन डांसर्स, जो कि परफॉर्म करेंगे हमारे अमेजिंग जजेस के सामने। यहां जजेस होंगे लाइक कुमार सानू और माधुरी दीक्षित। और हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा मौका जिसके लिए आपने हमेशा से ख्वाब देखा, जिसमें होंगे सिंगर्स, डांसर्स। आर यू द नेक्स्ट कैनेडियन देसी स्टार? क्या आप बनेंगे कैनेडियन देसी स्टार? कैनेडियन देसी स्टार, सितारे की खोज जल्द आ रहा है, ओनली ऑन बी फॉर यू।